अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे जी। हाँ जी, मेरा दिल कर रहा था कोई स्पाइसी सी चटपटी सी चीज़ बनाई जाए और खाई जाए, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पिन व्हील्स बाइट्स, कह सकते हैं आप उन्हें, और पिन व्हील्स उन्हें समोसा भी कह सकते हैं। सबसे पहले जी हम पिन व्हील्स के लिए जी बनाएंगे एक डो। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है जी, 1 टीस्पून नमक लिया है। अब जी ये ऑयल जाएगा इस मैदे में, सॉल्ट और थोड़ा सा पानी लिया है इसको गूंदने के लिए। चलिए जी, पहले ऑयल और नमक को अच्छी तरह इस मैदे में मिक्स करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये एक अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और गूंथते जाएंगे। इस डो को ये ख्याल रखना है आपने कि ये सख्त सी डो हमने बनानी है, इतनी पतली सी नहीं चाहिए। मैदे को अच्छी तरह जी मैं गूंद चुकी हूँ, तो ये इसको 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी सेट होने के लिए। तो अभी इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले जी इसकी फिलिंग हम तैयार करेंगे कि हम चिकन को तैयार करेंगे। यहाँ पर जी मैंने लिया है 1/2 लैब तकरीबन 1 टेबल स्पून पपरिका पाउडर, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने चिरका मसाला लिया है, पैकेट का यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून नमक है जी। चिकन के ऊपर जी मैं अच्छी तरह मसाला लगा चुके हैं, अब इसको 5 मिनट के लिए जी मैं रख दूँगी और फिर इसे फ्राई करूँगी। चिकन की मैं साइज चेंज कर चुकी हूँ जी, अब जी ये जाएगा 5 मिनट दम के लिए। ऊपर चिकन जी रेडी हो चुके हैं, अब इसको मैं जी अच्छी तरह ठंडा करूँगी, जिसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। चलें जी, अब हम पिन व्हील्स की फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जी मैंने 2 मीडियम आलू लिए हैं, उनको उबाल के मैश कर लिया है ये, और इसके साथ ही चिकन है जी जो मैंने पहले तैयार किया था, अब उसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कर लिया है। थोड़ी सी चीज़ चाहिए, मसालों में हमें जी 2 हरी मिर्चें चाहिए, 1 कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए जी, खुश्क धनिया चाहिए, नमक है जी, सूख मिर्च है तकरीबन 1 टेबल स्पून है, गर्म मसाला है और 1 टेबल स्पून चाट मसाला है। चले जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर तकरीबन जी मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, अब इसमें जी मैं तमाम ये मसाले डाल दूँगी। अब जो ये मैश जो आलू मैंने किए हुए थे हो जाएंगे। अब जो ये चिकन जाएगा, आप सिर्फ आलू की फिलिंग के साथ भी ये पिन व्हील्स बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने जो डो बनाई थी पिन व्हील्स के लिए, उसका मैंने एक बोल सा बना लिया है, तो उसे मैं रोटी की तरह बेल लूँगी। यहाँ पर जी मैंने डो को अच्छी तरह रोल लिया है,
तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक ग्लूसी बनानी है। अब जी ये मैं फिलिंग लूँगी, थोड़ी सी फिलिंग लूँगी, इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। अब जी मैं डालूंगी जी इसके ऊपर चीज़, तो इसके बाद जो मैंने ये तैयार किया है मैदे की, और इसके थोड़े थोड़े आप इसके किनारों पर ऐसे लगाते जाएं, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी। ऐसे फैला लें किनारों पर। चले जी अब इसको रोल करेंगे। इसको रोल जी अच्छी तरह इसको अराउंड से टाइट करके आपने करना है। एक इसकी शेप रहे, ऐसे आपने इसको रोल करते जाना है। ये जी अच्छी तरह रोल हो चुकी है, तो इसके जो ये किनारे हैं ना, इसको आप अच्छी तरह अंदर की तरह ऐसे प्रेस कर लें। ऐसे काटते जाएं उसको, हाथ की मदद से शेप देते जाएं। इसी तरह जी मैं सारे बना लूंगी। यहाँ पर जी मैं सारे पिन व्हील्स बना चुकी हूँ, तो अब इनको मैं जी फ्राई कर लूंगी। यहाँ पर जी ऑयल गर्म हो चुका है, तो जो पिन व्हील्स हैं उनको मैं जी फ्राई कर लूंगी। सबसे पहले जो ये मैंने बनाया हुआ था मैदे और पानी का मिक्सचर, एक ये लूँगी पिनव्हील, इसमें डालूँगी ऐसे, और इसी तरह मैं ऑयल में डालती जाऊँगी सारे दूसरे जो भी हैं। ये देखें जी एक को मैं निकाल चुकी हूँ, तो इसी तरह मैं सारे निकालूंगी, तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जी हमारे पिन व्हील्स बाइट्स रेडी हो चुके हैं, तो उम्मीद मैं करती हूँ जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।